छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के मकरंद पुस्तक से व्याकरण वाले भाग से हम अध्याय 4 में हैं, जिसका शीर्षक जो है अनेकार्थी शब्द एवं समुच्चारित शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द जिसकी वर्तनी भी एक होगी, किंतु अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रयोगों में उसके अर्थ अलग निकलेंगे। और समुच्चरित शब्द का अर्थ ये है कि उसका उच्चारण एक होगा किंतु उसके अर्थ अलग होंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, पहला जो है वो दोहा है, माला फेरत जुग गया, गयान मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का फेर। देखिए इसमें क्या हुआ है, अंडरलाइन कर रखा है। देखिए, मन का और फेर। पहली लाइन में माला फेरत जुग गया, गयान मन का फेर, मन का और फेर को अंडरलाइन कर रखा है। और दूसरी लाइन में भी करका मन का डारी के, मन का फेर, दूसरी लाइन में भी मन का और फेर को अंडरलाइन कर रखा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, माला फेरत जुग गया, माला फेरते फेरते सारा संसार थक गया या युग गया, युग बीत गया, माला फेरते फेरते युग बीत गया, गयान मन का फेर, किंतु जो मन के अंदर जो बात थी, जो कालापन था, वो नहीं गया। करका मन का डारी के, मन का फेर, अरे करका मन का डारी के, मन का फेर, है ना। क्या माला फेरने से करका मतलब आप कार्य ऐसे करो कि आपका मन का फेर बदल जाए। देखिए यहाँ पर जो ऊपर मन का है, गया न मन का फेर, वो मन का जो है, मन के अंदर जो कालापन है वो करका मन का डारी के और मन का फेर। फेरना मतलब उसको घुमाना, माला जो फेरते हैं ना, वो काली घटा का घमंड घटा। देखिए पहली दूसरा वाला जो उदाहरण है उसमें काली घटा मतलब बरसात वाले बादल और घमंड घटा मतलब कम हो गया। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। देखिए दोनों में कनक जो है उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। पहला जो कनक कहता है, कनक कनक ते सो गुनी, एक कनक धतूरा है और एक कनक सोना है। दोनों ही अगर किसी व्यक्ति के अगर कोई धतूरा खा ले तो भी उसको नशा हो जाएगा, और जिसके पास सोना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी नशा हो जाएगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रेखांकित शब्दों को देखिए। तीनों उदाहरणों में रेखांकित शब्द दो दो बार प्रयुक्त हुए हैं और दोनों ही स्थानों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ है। मन का, माला का दाना, मन की बात और मन का भाव, फेर घुमाना फेरना, और दूसरा है चक्कर और छल, घटा काले बादलों का समूह और कम होना, कनक धतूरा और स्वर्ण या सोना, एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द की जो है परिभाषा दी गई है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। उपयोगिता, अनेकार्थक शब्दों का उपयोग किसी रचना में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अलंकार, विधान और अभिव्यंजना कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है। हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य है, इनसे भाषा क्षमता का विकास होता है। व्यातव्य बातें, पाठ या रचना में अनेकार्थी शब्द
शब्द प्रायः एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी ये शब्द दो या अधिक बार भी आ सकते हैं। कबीर की एक साखी में एक शब्द सहस्त्र बार आया है। नीचे दिए गए इस दोहे में भी अनेकार्थी शब्द कई बार आया है। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जानी के, सारंग कर गई चोट। देखिए, सारंग ले सारंग चली, पहली सारंग नारी है, दूसरा सारंग जो है वो दीपक है, तीसरा सारंग जो है वो साड़ी है, आंचल है, सारंग चौथा सारंग भी साड़ी है, और सारंग कर गई चोट मतलब हवा हवा। जहाँ एक शब्द एक ही बार आकर अनेक अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरीके से हमने ये वाला जो हिस्सा है कंप्लीट कर दिया है।